जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो अभी जो है शाम के 7 बज रहे हैं, आज थोड़ा लेट हो गए, तो मैं यहाँ पे बिंदी लगाने जा रही हूँ सिंदूर की। और अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ, माता रानी को भोग लगाऊंगी। और आज बनाई है हमने अरवी व्रत के लिए, व्रत का जो खाना है। और चपाती है, ये देखो चावल है। और माता रानी की पूजा भी करेंगे, भेंट भी सुनाएंगे आप लोगों को माता रानी की। एक अच्छी सी, कितना बढ़िया लगा ना, इतना बड़ा वृंदावन को अच्छा लगता है। चावल है तो माता रानी को भोग लगेगा, घी शक्कर का और चपाती। पानी का गिलास ले लेती हूँ, बाकी फिर अंदर चल के पूजा करते हैं। के लिए तो यहाँ पे फिर फटाफट से मैं कर लेती हूँ पूजा। आज मैंने थोड़ा सा आपको पूजा का बताया, और फिर मैंने यहाँ पे ना माता रानी के भजन भी लगा रखे थे। और माता रानी की जोत, वो कोई आपको लगे कि भाई ये वाली चीज़ मैंने गलत तरीके से की तो बताना ज़रूर। देखिए, हम सीखते हैं एक दूसरे से, अगर कोई हमें सिखाता है तो उस चीज़ का बुरा नहीं मनाना चाहिए। हाँ, अगर कोई हेट वाले तरीके से बोलता है फिर उसको तो बक्सा भी नहीं जाता और बक्सा भी नहीं जाएगा। आजकल तो खैर मैं 9 दिनों के लिए बिल्कुल चुपचाप हूँ, मैं किसी को मतलब रिप्लाई नहीं करने वाली ऐसा वैसा। लेकिन मुझसे कोई गलती हो गई होगी पूजा करते हुए तो मुझे ज़रूर बताना आप लोग कमेंट करके, ठीक है? और प्या गजाया तेल पाने तो ये देखें। और अब मैं आरती करूंगी। यहाँ पे अभी मैं आरती करूंगी लास्ट में। और आप लोग पूछेंगे कि बाकी कहाँ थे, तो बाकी भी यहीं थे और कर रहे थे थोड़ा बहुत, पीछे थे खड़े हुए, कैमरा मैंने आगे रखा हुआ था तो गा रहे थे। अगर पीछे कैमरा रखती तो फिर सभी लोग नहीं दिखते, माता रानी नहीं दिखती आप लोगों को, ठीक है? और अगर कपूर बाती, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। तो पूजा हमने कर ली है, और अब मैं एक छोटी सी भेंट आपको सुना देती हूँ, क्योंकि आप रोज बोलते हो कि बहुत अच्छा लगता है जब माँ के मंदिर में बैठ के हम भजन सुनाते हैं, ठीक है? भेंट आज क्या सुनाओ, एक और आ रही थी पहले, मेरे को याद है। ओ मंदिर बनया वे उची पहाड़ माइए, सोना नजारा तेरे मंदिरां दा। आहो, मंदिर बना वे उचे पहाड़ माइए, सोना नजारा तेरे मंदिरां दा। 160 पैड़ी मैया चढ़िया न जावे, 160 पैड़ी मैया चढ़िया न जावे, वो दूरा ते जय जय करा माइए, सोना नजारा तेरे मंदिरां दा। ओ मंदिर बनावे उचे पहाड़ माइए, सोना नजारा तेरे मंदिरां दा। मंदिरां दे आसे पासे कोयल बोले, मंदिरां दे आसे पासे कोयल बोले, वो शेर भरे वो ललकारा माइए, सोना नजारा तेरे मंदिरां दा। ओ मंदिर बनावे उची धार माइए, सोना नजारा तेरे मंदिरां दा। होर चढ़ांदे मैया फूल पतासे, आसे चढ़ांदे मैया फूल पतासे, तेरे ध्यानु ए सीस चढ़ाया माइए,
सोना नजारा तेरे मंदरां दा, ओ भवन बना वे उचे पहाड़ माइए, सोना नजारा तेरे मंदरां दा, सोना नजारा तेरे मंदरां दा, ओ सोना नजारा तेरे मंदरां दा। जयकारा महामाई दा, बोले सच्चे दरबार की जय। दोनों हाथ खड़े करके बोलना है जय। और ये देखो जोत ले लो माता रानी की, और माता रानी के दरबार में आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारे लोगों के, मतलब हर एक इंसान की जिंदगी में दुख है भाई, ऐसा कोई नहीं है जिसकी जिंदगी में दुख नहीं है। माता रानी सबके दुखों को हर ले, और माता रानी सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, मैं यही दुआ करती हूँ महामाई से। और आप सबके बच्चे कामयाब हों, आप सबके घरों में हमेशा खुशहाली बने रहें, और आप सबके सपने पूरे हों जैसे मेरे सपने माता रानी ने पूरे किए, सबके सपने पूरे हों। तो चलिए अब खा लेते हैं खाना। जय माता दी। तो जय माता दी, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, पांचवें नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। सुबह सुबह का टाइम है और मैंने मुंह धोया, और मैं यहाँ दिखा देती हूँ पहले काम। बस अब गले किए कई दिनों से ही समस्या है, और मैंने यहाँ ना दूध लगाया फटाफट से, पहले मतलब दही था जो ना लस्सी बनाने के लिए मशीन में, तो अभी मैं देख रही थी कि अभी हुआ नहीं है, तो यहाँ से गिरा ना तो नीचे। अब मैं आग जलाऊंगी, और दूध के जो बर्तन थे वो धो दिए, दूध दही के बर्तन थे ये भी धो दिए, और अभी जो है आग जलानी है हमें, और पानी का गिलास, पानी भी दिया है। ये देखो मक्खन हमारा इकट्ठा हो चुका है, ये देखो। हो गया दूध हमारा जल्दी से, तो लस्सी तैयार है। अभी छोटी छोटी लग रही है मेरे को, साइडों में भी हुआ नहीं होगा ना, इसे रख देती हूँ, उसमें क्या है 2 मिनट और चला लेती हूँ। 2 मिनट और सही है ना, और इतने को 5 भी बज गए, मेरी बिंदी ये हो गई है। मैंने मुंह धोया अभी जस्ट, बस मैंने बिंदी लगानी, फिर पहले मैं पानी पी रही हूँ। तो सबसे पहले उठ के तो मेरा ये रहता है, मैंने कल निकाले थे धोने के लिए, तो यहाँ को मशीन लेके आ गई हूँ, अब दूध से नेरूंगी। तो अभी जो है ना ये मैं दूध मक्खन निकाल लूँगी, और मैं आग भी जला लूँगी साथ साथ में। देखो इससे पहले मैंने आग नहीं जलाई थी, मैंने मुँह हाथ धोया, दूध छोड़ा, तो और दूध के जो बर्तन थे ना दही के वगैरह को सारे धो के, गीज़र ऑन करके सारे धोए, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आग जलाई, क्योंकि पता है क्या ठंड होती है सुबह सुबह ना, मैं 4:30 बजे उठ गई थी आज, और कहते हैं ना 5 बजे से पहले उठना चाहिए हमेशा, क्योंकि जो है ना वो क्या होता है ना 5 बजे से पहले, 4 बजे और 5 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त होता है, और उस टाइम बोलते हैं ना हमारे धर्म, सनातन धर्म के अनुसार उस टाइम ना सभी देवी देवता जो धरती के ऊपर विचरण कर रहे होते हैं, धरती के ऊपर घूमने आए होते हैं, ठीक है। तो 4 से 5 बजे का जो मुहूर्त होता है उसमें ध्यान लगाना चाहिए भगवान का, अपने जो काम है थोड़े बहुत वो निपटा लीजिए, भगवान थोड़ा नहीं बोलते कि आप मेरे ध्यान में बैठे रहो, आप 10 मिनट 5 मिनट ध्यान लगा लीजिए भगवान का, वो हमारे आसपास होते हैं, वो सबके घरों में देखते हैं क्या हो रहा है, क्या कौन उठाए कौन नहीं उठाए, तो सबको जो है 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। मैं हमेशा उठ जाती हूँ, मेरा एक रूटीन है, बहुत कम होता है कि मैं 5 बजे के बाद उठती हूँ, कभी बहुत थकान हुई होती है या फिर बुखार वगैरह होता है मेरे को उस टाइम। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और कहना चाहती थी कि देखो पहले वो टाइम था ना, हम दूध की एक एक बूंद बेच देते थे, हम घर के लिए भी नहीं रखते थे, अब बच जाता है काफ़ी, परमात्मा की दया है, आप लोगों का सपोर्ट है, माता रानी का आशीर्वाद है, तो बस इतना सा ही चाहिए। वो कहते हैं ना साई इतना दीजिए जामे कुटुंब संभाए, मैं भी भूखा ना रहूँ, कोई साधु ना भूखा जाए, और ज़्यादा भी करके क्या लेके जाना है, क्या लेके आए थे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे, बस ये परिवार का गुजारा होना चाहिए, कोई आने जाने वाला आए वो भी भूखा ना रहे ना जाए। तो अब तो लस्सी भी होती है, दही भी होता है, मक्खन दूध सब कुछ होता है, ये सब परमात्मा की कृपा है, और दिन हमेशा
सबके बदलते हैं, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे दिन कभी नहीं आएंगे, सबके दिन आते हैं, वक्त सबका बदलता है और सपने सभी के पूरे होते हैं। बस आप भगवान में सच्ची लगन रखिए और सबसे बड़ी बात अपनी काबिलियत पे भरोसा रखिए और हौसला रखिए, हिम्मत रखिए। आप लोगों से यही बात कह रही थी कि देखिए अगर आप मेहनत करते हैं ना, भगवान हमारा साथ जरूर देते हैं, लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों के ऊपर थक जाते हैं, ये नहीं होगा मेरे से, वो नहीं होगा, ये कैसे होगा, मतलब छोटी बातों को पहाड़ बना देते हो, वो चीज़ है ना, उससे आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। और जब तक है जिंदगी, करते रहिए काम, खाइए पिए, शरीर को स्वस्थ रखिए, मेरी तरह नहीं कि खुद को बीमारियाँ लगा के काम करते रहो, ठीक है। और मैं अभी जो है ना, पांचवा नवरात्र है आज जो है, तो मैं आ चुकी हूँ, आज का ही वीडियो है, दूध वाला दही वाला भी आज का ही है, तो अभी मैंने बहुत सारा काम किया, वो आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा देखने को जो हमने काम किया। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड भी करूँगी और अब मैं थोड़ा सा बनाऊँगी खाने के लिए कुछ, तो धूप आ चुकी है, वो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, तो चलो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, ये और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, माता रानी आप सबके सपने पूरे करे और आप सबको जिंदगी में कामयाब बनाए। जय माता दी, राम राम।